कैथल के ब्लॉक पोंडरी में दुकानदार पर कातिलाना हमला और फिरौती मांगने वाले 5 अन्य आरोपियों को CIA-1 पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में CIA-1 परिसर में प्रेस वार्ता कर DSP रविंद्र सागवान ने बताया कि 2 आरोपी फिरौती मांगने डराने के लिए पुंडरी के हावड़ी रोड पर 16 नवंबर को दुकानदार प्रतीक पर गोलियां चलाकर फरार हो गए थे। जैसे 16 तारीख को अंकुश के नाम पे फिरौती मांगी गई थी, प्रतीक के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी जो इनकी सुमन एंटरप्राइजेज शॉप है उस पे, तो हमने प्रोटेक्शन वारंट पे अंकुश को लेके आए थे। तो अंकुश ने बताया था कि मैं 2019 से जेल में बंद हूँ और इसका ब्रदर, कजन ब्रदर है, सुमित उर्फ मित्तू है, वो इसके गैंग को ऑपरेट कर रहा है बाहर से, और इसका एक रिश्ते में रिलेटिव है वीरेंद्र जो मामा लगता है इसका, ये दोनों वहाँ ऑपरेट करते हैं अब इसके गैंग को। तो उन्होंने इसको लेके, तो हमें पता चला था कि आगे इसने साहिल है जो इसके साथ जेल में ही बंद है करनाल जेल में, उसको इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो जब बाहर अपनी पेशी पे गया था तो उसने अपनी आगे इन्फॉर्मेशन सप्लाई की थी कि भाई वहाँ गोली चलानी है और वो करना है। तो इस तरीके से फिर हम आइडेंटिफाई कर पाए थे कि किसके पास वो चीज़ें गई थी। तो फिर हम टेक्निकली बात वो करते हुए हमने इनको अरेस्ट किया है। बहुत 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 बधाई हो इंस्पेक्टर जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या? ये 16 तारीख को प्रतीक नागपाल के स्टोर पर पुंडरी में ये फायरिंग हुई थी, तो फिरौती का मामला सामने आया, तो SHO भी मौके पर गया था, SP साहब भी गए थे, CIA-1-2 भी गए थे, SP साहब ने जिम्मेवारी लगा दी थी। तो हम इसकी तहकीकात में पहुँचे तो ये हमने अंकुश पर शक होया, तो शक के आधार पर हमने इसको 18 तारीख से प्रोडक्शन वारंट पर ले रखा, ये अंकुश करनाल जेल में बंद है। तो इसने लिख के दिया था एक पर्ची पर, साहिल भी इसके साथ जेल में बंद है, उसको भी लेके आएंगे। अंकुश की और साहिल की बात हुई थी कि भाई ये रोबिन है एक पुंडरी का, वो आजकल हमारे ना तो फोन उठा रहा है ना हमें भाव दे रहा है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो अंकुश ने साहिल को बता दिया, एक ये आशुतोष काड़ू है ये भी जेल में बंद था, तो इसको बुला लिया इन्होंने कैसे ही सूचित करके, तो इसको लिख के दे दिया पर्ची पे। अब भाई इसे एक सुमित मित्तू है वो भी प्रत्योच दर्ज है, वो विदेश में भागा हुआ है, इसको काड़ू को दे दिया, आप इससे संपर्क कर लेना, रोबिन का नाम लिख दिया और वो दे दिया। तो उसके बाद पता लग गया इसको एक वीरेंद्र है उसके साथ में ही, ये इसका रोबिन का रिश्तेदार है, ये सुमित मित्तू और रोबिन ये और वीरेंद्र ही आपस में जानकार है। तो इस बात की रोबिन को पता लग गई, अगर भाई मेरे पे फायरिंग हो रही है, ये वीरेंद्र है ना इसका मामा का कोई रिलेटिव है, तो इसने रोबिन ने ये गैंग अपने वो फायर अपने पे बचवा का, ये प्रतीक नागपाल का स्टोर है, इसका बहुत अच्छा काम है, आप इस पर दहशत करो। तो इन्होंने आशुतोष काड़ू ने और एक ये है चंदू ने फायरिंग करी यहाँ पे, ये दोनों को गिरफ्त कर लिया, चंद्र प्रकाश चंदू को। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।